प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने संगठन में बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि AICC, PCC और जिला स्तर पर जरूरत के हिसाब से बदलाव किया जाएगा। इस बीच पायलट ने संगठनात्मक नियुक्तियों में किसी तरह के विवाद से भी साफ इनकार किया और कहा कि सभी फैसले एकमत से लिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट 14 दिन बाद जयपुर लौट आए हैं। वे 11 जून को अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के दिन जयपुर से गए थे। तब से अधिकांश समय तक वे विदेश में ही रहे। जयपुर लौटने के बाद सचिन पायलट PCC पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कर्नाटक, UP में संगठनात्मक बदलाव की तर्ज पर राजस्थान में बदलाव करने के सवाल पर कहा कि बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है, जिन लोगों ने सक्रियता से काम किया है उनको इनाम भी मिलना चाहिए। बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है और जहां जहां हमें लगेगा कि बदलाव करने की जरूरत है वहां बदलाव भी करेंगे। और हकीकत है, जिन लोगों ने काम किया उनको मौका मिलना चाहिए। जो लोग ज़्यादा सक्रिय नहीं रह सके किसी भी कारणवश, उन लोगों को और लोगों की जगह देनी चाहिए। और ये काम होगा, AICC के लेवल पर भी होगा और PCC के लेवल पर भी होगा, जिले के लेवल पर भी होगा। सचिन पायलट ने बाल संरक्षण आयोग, जिला जेल कमेटी सहित अन्य पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कहा कि सरकार में सभी फैसले सामूहिक होते हैं, कहीं पर किसी तरह का विवाद नहीं है, हम सभी सरकार के भाग हैं। वहीं 27 जून से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र को लेकर पायलट ने कहा कि सरकार की इस सत्र के लिए पूरी तैयारी है। हम विपक्ष से भी आह्वान करते हैं कि जनहित से जुड़े मुद्दे सदन में उठाएं और सार्थक चर्चा करें। हम सभी सवालों का जवाब देने को तैयार हैं। सरकार पूरी तरह से तैयार है। 27 तारीख को जब ये बजट सत्र चालू होगा, जनता से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। हमारी सरकार ने जो काम किया है पिछले 5-6 महीने में, उस पर अपना स्टैंड हम क्लियर करेंगे। और मैं तो आमंत्रित करता हूँ विपक्ष के सभी साथियों को, जो भी जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाएं, प्रोसीजर के थ्रू उठाएं। PCC पहुंचे सचिन पायलट से जब ये सवाल किया गया कि इन दिनों सरकार के मंत्री ही ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठा रहे हैं, तो पायलट ने कहा कि अगर कहीं पर कोई ऐसी शिकायत आई तो मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बात को गंभीरता से लेगी। देखिए, सरकार एक सिर्फ मंत्री या सिर्फ अफसर नहीं होते हैं, उस पूरा जो ढांचा है उसमें सब लोग सम्मिलित हैं। तो जो भी कदम हम लोग उठाते हैं वो सबको साथ लेकर, सबको एक आमराय बनाकर उठाते हैं। और समय समय पर हमारा संवाद भी होता रहता है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इस प्रदेश में व्यवस्था और सरकार को चलाने में हमारी मदद करते हैं, उनको सबको साथ लेकर काम करते हैं। कहीं पर अगर ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार उनको गंभीरता से लेगी। इस बीच कांग्रेस के कई नेताओं और विधायकों ने भी सचिन पायलट से PCC और उनके आवास पर चर्चा की। वहीं राजनीतिक नियुक्ति के लिए आवेदन भी दिए। बहरहाल सेवादल की कार्यकारिणी भंग होने के साथ ही प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब देखना है कि प्रदेश कांग्रेस संगठन में आखिर कब तक बदलाव होता है। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।